यार देखो मेरे को तो ये कहानी समझ में आती नहीं, अब ये लोग पता नहीं क्यों फॉर्मेलिटियों में पड़े हुए हैं बीसीसीआई वाले कि हमें कोच चाहिए इस वर्ल्ड कप के बाद, हमें कोच चाहिए, ऐसा ऐसा चल रहा है ना ड्रामा। अरे क्यों खाम खा फॉर्म भरवाते फिर रहे हो, अरे सीधा कॉल उठाओ, गौतम गंभीर को फोन करो। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, वो इतना जबरदस्त आदमी है, अरे वो पैसों के चक्कर में रिजेक्ट नहीं करेगा ऑफर, उसको सीधा फोन उठा के आप कह दोगे ना कि गोती भाई देश को आपकी जरूरत है, मैं सच बता रहा हूँ वो बंदा एक सेकंड के लिए मना नहीं करेगा। तो अनाउंसमेंट तो हो गई है, काफी अरसे से हम सबको पता था कि ये होना है, तो फाइनली आज अनाउंसमेंट होगी। मिस्टर जय शाह ने अनाउंस किया, क्या उन्होंने कहा मैं पहले जरा वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर जिसको कहते हैं ना बात करते हैं। मिस्टर जय शाह ट्वीट करते हैं बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी, इट इज विद इमेंस प्लेजर दैट आई वेलकम मिस्टर गौतम गंभीर एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मॉडर्न डे क्रिकेट हैज इवॉल्व रैपिडली एंड गौतम हैज विटनेस दिस चेंजिंग लैंडस्केप अप क्लोज, हैविंग एंड्योर्ड द ग्रिंड एंड एक्सेल इन various role throughout his career, I am confident that Gautam is the ideal person to steer Indian cricket forward. Gautam Gambhir जो है Indian cricket team के new head coach बनने वाले यार बन चुके हैं officially, बस रहना बाकी। होगा सो यस, Gautam Gambhir is officially announced as the head coach of Team India. एक नया era, एक नया सिलसिला, एक नए सिलसिले की शुरुआत Gautam Gambhir के under कैसे अब टीम इंडिया प्रोसेस करेगी। फ्रेंड्स जैसे ही ये ब्रेकिंग न्यूज जय शाह की तरफ से अनाउंस की जाती है कि भाई गौतम गंभीर एज ए हेड कोच टीम इंडिया को लीड करेंगे, आप यकीन मानिए पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम, यहाँ तक कि जो बांग्लादेशी मीडिया, वो हर कोई भाई सन्न रह गया। क्यों रह गया फ्रेंड्स, आपको पता होगा गौतम गंभीर अभी आईपीएल की ट्रॉफी जीते हैं, उससे पहले भी आईपीएल की ट्रॉफी जीते हैं, और टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप ले गए थे उस स्क्वाड में भी थे, और उन्होंने फाइनल में यहाँ की शायद 90 की पारी भी खेली थी। तो अब ऐसे तेज तर्रार जब कोच बनेगा गौतम गंभीर, तो सोचिए टीम इंडिया कितनी आगे जाएगी। आप सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आवाम की आप जो रिएक्शन देखिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। ये कौन कहते हैं जय शाह, ये कहते हैं गौतम गंभीर के बारे में, तो मतलब कि उनको इतना यकीन है। एक वो कोच जिसने अभी आपको चैंपियनशिप जितवाई, आपको वर्ल्ड कप का चैंपियन बना के वो जिसको कहते हैं ना छोड़ के गया, वन लास्ट टाइम उन्होंने रोहित शर्मा की कॉल के ऊपर फैसला किया था, वो अभी भी शुक्रगुजार है कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी कॉल थी कि मैंने रोहित शर्मा की कॉल उठाई राहुल द्रविड़ और कहते हैं मैंने फैसला किया कि एक और T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की कोचिंग करूंगा। तो वो जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ी एक लेवल छोड़ के जा रहे हैं गौतम गंभीर के लिए। गौतम गंभीर जिन्होंने अभी कोलकाता को जितवाया, अब मजे की चीज सुने, कोलकाता का जो रोल था मेंटोर का रोल था गौतम गंभीर का, बिल्कुल वो आगे इंडियन टीम के कोच बन गए। KKR ने मेंटोर के लिए राहुल द्रविड़ को अपने पास रख लिया, तो मतलब कि शफलिंग होगी, एक हेड कोच से आगे मेंटोर के ऊपर, एक मेंटोर से चले गए हेड कोच के ऊपर। गौतम गंभीर ने भी पोस्ट किया, उन्होंने भी कहा है कि इस दफा जैसा कहते हैं जर्सी तो वही होगी, लेकिन जो हैट होगी वो दूसरी हैट पहन के वो करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 1.4 बिलियन को। तो गौतम गंभीर का कितना इम्पैक्ट रहेगा, सवाल सारा का सारा ये आता है। देखो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, गौतम गंभीर कोई सुपरमैन तो है नहीं कि आते साथ ही भारत की टीम को ट्रॉफी जितवा देंगे। नाउ कम्स इन गौतम गंभीर अगेन, वही वाला एक एक एटीट्यूड जो के चाहे आप गेम में अग्रेसिव, सो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी अग्रेसिव। नाउ द कैप्टन दैट वुड बी अंडर गौतम वुड मेक दैट पेयर, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव इन योर माइंड। ऑप्शंस तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि WTC फाइनल और अगला जो चैंपियंस ट्रॉफी का आपके पास मिशन है उसमें तो स्ट्रेट अप जेशा ने पैरेलली ये अनाउंस कर दिया कि रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन। सो नाउ गौतम नीड्स टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ रोहित एंड नीड टू रीएडजस्ट हिज प्लान्स। देखो परफेक्ट पिक्चर हो जाएगी कि मे बी गौतम गंभीर वही प्लान्स लेकर आ रहा हो जो रोहित शर्मा के पास है। यू नेसेसरली यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव ऑन द फील्ड। जहां हमने बात की रवि शास्त्री विराट की और रोहित और राहुल की, इवेंचुअल एंड रिजल्ट क्या था कि दोनों टीमों के पास वो एग्रेशन थी, दोनों टीमों के पास वो पैशन था, और दोनों टीमों के पास वो स्पिरिट था टू नेवर टू से डाई टिल द लास्ट बॉल हैज बीन बोल्ड। दोनों टीमों ने वो बाउंस बैक एबिलिटीज दिखाई, हालांकि दोनों एंटायरली डिफरेंट माइंडसेट थे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपके गोल्स क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। अब गौतम गंभीर को ये पहले नहीं कह सकता, देखो क्रेडेंशियल एक कोच का प्रोफाइल देखा जाता है ना, आपने एक बंदे को कोच रखा है उसने एज अ प्लेयर क्या किया। हालांकि बहुत बहस होती है क्रिकेट की दुनिया के अंदर कि कोच को क्रिकेट खेला होना चाहिए या कोच क्रिकेट के बगैर वाला भी होना चाहिए तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। जॉन बकनन स्कूल टीचर
and turned into one of the most successful coaches that we have seen. उस ऑस्ट्रेलिया को लीड किया, उस ऑस्ट्रेलिया को डेवलप किया जो कि किसी को अपने पास भटकने नहीं देती. ये मिसालें आपकी क्रिकेट में मौजूद हैं. But if someone like Gautam Gambhir who comes into the system, who has the credentials as a player, who played when it mattered the most, हम बहुत सारे प्लेयर्स की बात करते हैं कि यार आप होंगे बड़े अच्छे, लेकिन जिस दिन पे मायने रखता था उस दिन क्या किया. 2007-2011 दोनों सैंपल साइज आपके पास मौजूद है. एज अ प्लेयर आया लीग के अंदर, मैंने मैं थोड़ा सा बिजी था तो मुझे पता नहीं था कि गौतम गंभीर हेड कोच बन गया. अच्छा जी, गौतम गंभीर की पहले मैं कैरियर से स्टार्ट करता हूँ. गौतम गंभीर जिस तरीके का उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया था अपना, कितने क्रूशियल मैचेस में शॉर्ट हाइटेड वो बंदा था और फियरलेस बंदा था उस टाइम पे, ओपनिंग देता था, सहवाग के साथ ओपनिंग करता था और बड़े हाई मतलब बड़े अच्छे अच्छे मैचेस इंडिया को जितवाए हैं, चाहे वो फाइनल्स हो जाए चाहे वो कोई भी सीरीज का हो जाए, लेकिन गौतम गंभीर ने अपना इम्पैक्ट बड़ा यूजफुल डाला है. अब मैं वहां से बात शुरू करूँ ना 2007 का वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान, बिल्कुल फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई थिंक आप बता रहे 76 स्कोर किया और उसके बाद आउट हुए वो, लेकिन क्रूशियल मैच था और उनका मैंने देखा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गया था गौतम गंभीर का, उसमें इंडिया को सेमीफाइनल फाइनल पहुंचाने में उनका बड़ा रोल था. उसके बाद आ जाए कट टू 2011, ठीक है, यूजफुल 97 स्कोर और क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ सेल्फलेस इनिंग थी वो, और चक्कर में ना वो आउट हो गया बंदा, बोल्ड हो गया. उसके बाद जो धोनी ने 91 अपना स्कोर किया, आज तक कोई भी गौतम गंभीर की इनिंग्स को याद नहीं करता, ठीक है, एक तो बात ये है. और गौतम गंभीर ने ये बात नहीं किया, 2007 में जो धोनी कैप्टन था उसमें भी गौतम गंभीर ने ही स्कोर किया था, वो भी लोगों को याद नहीं आता. और 2011 में भी क्या कहते हैं गौतम गंभीर ने, और पूरी वो तो खुद ये कहते हैं कि भाई सिर्फ एमएस धोनी ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया आपको, दोनों वर्ल्ड कप एमएस धोनी ने नहीं जितवाया, पूरी टीम की एफर्ट थी, वो अपना नाम कभी भी नहीं लाता, लेकिन जो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए था इंडियन टीम की तरफ से, वो इंडियन अवाम की तरफ से वो उस तरीके का क्रेडिट नहीं मिला. अब मैं समझता हूँ कि भाईजान जो उसको हेड कोच बनाया है वो अब उसको वो थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है कि भाईजान उसका कैलिबर इतना हो गया है, समझने लायक हो गया है, उसने बड़े यूजफुल मैच वो जितवाए थे, अगर वो उन मैचों में ये 97 और 76 ना करता तो शायद इंडिया वो मैच हार जाता, वो बड़े क्रूशियल मोमेंट थे. मैं समझता हूँ अब गौतम गंभीर को अपनी वो सही जो जगह है ना हेड कोच की, एक जो मेन लीड होता है, मेन हेड करता है टीम को, वो जगह अब मिली है. बात आ गई है भाईजान प्लेइंग 11 वो क्या सिलेक्ट करेगा, बिल्कुल कोलकाता से वो हमेशा खेलता आया, मेरे ख्याल से एक तो सीजन होगा जिसमें वो दिल्ली में खेला था, आई थिंक दिल्ली में, लखनऊ में हाँ, जिसका लखनऊ में कोच किया अभी. हालांकि राहुल द्रविड़ का जो पीरियड टाइम था वो भी चल रहा है, और राहुल द्रविड़ का जो पीरियड टाइम रहा है वो अच्छा ही रहा है एक तरीके से इंडियन टीम के लिए, क्योंकि देखो आप वर्ल्ड कप फाइनल में लेके गए 2023 में, ठीक है, उसके बाद अभी भी स्टिल है सही है, लेकिन अभी खैर उनका कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ है, ओवर हुआ है, कैंसिल तो नहीं हुआ, मैं करूंगा खत्म हुआ है, ठीक है ना, तो एक पीरियड टाइम होता है 6 साल का, तो खत्म हुआ है. तो गौतम गंभीर को हेड कोच की तो ऑफर मिली है, उनको एक और चीज की ऑफर मिली है, ये बात आपको नहीं पता शायद, बताओ क्या ऑफर मिली है उनको. ऑफर मिली है कि वो अपनी मर्जी का स्टाफ भी ला सकते हैं, कि जो बंदे वो चाहें वो अपनी एक मैनेजमेंट पूरी बना सकते हैं अपनी मर्जी की. सही है, क्योंकि देखो अच्छी बात है ना, तो हेड कोच पे इसमें इंडियन टीम का फायदा बहुत हो सकता है, लेकिन इसमें मेरी नजर में जहां तक मैं समझता हूँ, एक है ना थोड़ा सा वो भी, क्योंकि गौतम गंभीर नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, इंडियन टीम को उन्होंने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से निकाला है अपनी इनिंग से, वो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, बहुत बड़ा रोल उनके 97 रन, मैं कहूंगा कि अगर वो नहीं होते तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता 2011 का. उसके बाद और भी मैचेस ऐसे रहे गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस से, प्लस आईपीएल के मैचेस हों उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो बंदा मतलब वो एकदम आउट क्लास है. और जिस तरह का एग्रेसिव दिमाग गौतम गंभीर का है, और भाई आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में अगर आप एग्रेसिव नहीं हो तो आप प्लेयर ही नहीं हो, आप एग्रेसिव होगे तो आप खेलोगे. तो जिस तरह से बंदा है और प्लस विराट कोहली टीम में है, तो फिर दोनों जब मिलेंगे आपको पता है क्या होगा फिर, ठीक है ना, बवाल ही देखना वैसे अच्छा रहेगा. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है और ओवर रेटेड कर दिया है गौतम गंभीर को, ओवर हाइप तो करना था ना, लेकिन देखो करना था, बिल्कुल करना था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नुकसान की तरफ भी लेके जाता है. अगर आपको याद हो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया को मतलब 24 घंटे पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था ये वर्ल्ड कप चैंपियन है, ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है, किसी ने खाते में ले लिया ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडियन प्लेयर्स जब ग्राउंड में उतरे उस दिन वो इतना कॉन्फिडेंस, इतना ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, वो कहते हैं ना कि यार
एक बंदा मशीन चला रहा है वहां से उल्टी मशीन चलाना शुरू कर दी उसने, तो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर उल्टा प्रेशर आ गया उन्हीं के। फ्रेंड्स तो देखा होगा आपने भाई पूरी पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भाई जैसाहा ने जैसे ये अनाउंसमेंट किया कि भाई गौतम गंभीर टीम इंडिया को लीड करेंगे एज ए हेड कोच, तो उसके बाद से ही हर कोई ये कयास लगाने लग गया कि जो टीम इंडिया है अब वो एक नए आयाम पे जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, उसके पहले भी एज ए कैप्टन उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है कोलकाता के लिए, और यहाँ तक कि जब वो वर्ल्ड कप खेले थे 2011 का, उस स्क्वाड में भी हुए थे और वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी T20 में मेरे ख्याल से वहाँ पर अच्छी इनिंग खेली थी, और 2007 में भी आपको T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिले। तो यहाँ पे गौतम गंभीर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पूरे पाकिस्तानी मीडिया में। सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है कि जो टीम इंडिया है, जो BCCI है, वो अपने प्लेयरों को, यहाँ तक कि अपने जो पुराने प्लेयर है, कैसे उन्हें यूज करना है, कैसे उनसे काम निकालना है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जबकि पाकिस्तान जो कि PCB है, उनको कुछ भी नहीं आता, उनके जो पुराने प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं उनको वो लेके आते हैं, उनके हेड कोच, उनके प्रॉपर प्लेयर नहीं है उनके पास स्टेडियम नहीं है, तो हर एक चीज़ के लिए वो जो है PCB को कोस रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको पता होगा जैसा भी चेयरमैन बनने वाले हैं ICC के, तो एक के बाद एक झटके जो है पाकिस्तान को लग रहे हैं, मीडिया को लग रहे हैं। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो।